आज हम आपको उत्तर अमेरिका में पाए जाने वाला एक सर्वहारी और निशाचर जीव के बारे में बताने वाले हैं, जो वुल्फ से काफी मिलता जुलता है। तो चलिए जानते हैं इस मध्यम आकार के जीव रैकून के बारे में। रैकून एकमात्र ऐसा स्तनधारी जानवर है जो 50 अलग अलग तरह की आवाज निकाल सकता है। यह एक निशाचर जीव है जो ज्यादातर रात को ही शिकार के लिए निकलता है, पर कभी कभी खाने की कमी के कारण वो दिन में भी शिकार करता है। वैसे तो रैकून उत्तर अमेरिका के निवासी है, पर इसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कनाडा के टोरंटो में पाई जाती है। यहाँ पर इसको अपना खाना आसानी से मिल जाता है। रैकून इस धरती पर मौजूद सभी खाने लायक चीजों को खाता है, मतलब कि वेज और नॉन वेज। इसकी लंबाई 40 से लेकर 70 मीटर तक की होती है, जबकि इसका वजन 4 से लेकर 9 किलो तक का होता है। रैकून के पूरे शरीर पर भूरे कलर के बाल होते हैं, जो इसको ठंड से बचाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मनुष्य के घर में घुसकर खाने की चोरी भी करता है। कनाडा में अक्सर आपको ऐसे किस्से देखने को मिलेंगे। रैकून की ज्यादातर मौत कार एक्सीडेंट से होती है। बहुत ही कम जानवर इसका शिकार करते हैं। इनमें से एक माउंटेन लायन है। आपने अभी तक माउंटेन लायन का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगी। रैकून की कुल 7 प्रजातियां हैं, जिनमें से 6 प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और वर्तमान प्रजाति भी विलुप्ति की ओर आगे बढ़ चुकी है। रैकून ज्यादातर 3 से लेकर 4 के समूह में पाए जाते हैं। मादा रैकून का गर्भकाल 63 दिनों का होता है, जिसके बाद यह करीब 7 बच्चों को जन्म देती है। यह साल में एक ही बार बच्चे को जन्म देती है। नर रैकून साल में बहुत सारी मादा के साथ सहवास करता है। इसका आईक्यू लेवल बहुत ही अच्छा होता है। यह इंसान की तरह डिब्बे खोल सकता है और 3 साल तक की सभी बातों को याद रख सकता है, और इसके ऊपर वैज्ञानिकों ने रिसर्च भी किया था। रैकून बहुत ही आसानी से पेड़ पर दौड़ सकते हैं। यह 15 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पेड़ पर भाग सकता है और करीब 130 फीट की ऊंचाई से नीचे कूद सकता है, और फिर भी इसको किसी भी तरह की हानि नहीं होती है। रैकून का जंगल में औसतन जीवन काल 3 साल का होता है, जबकि चिड़ियाघर में यह 20 साल तक जीवित रह सकता है। रैकून को इसके फर के लिए मार दिया जाता है, क्योंकि इसके फर में से कपड़े और बहुत सारी अन्य प्रोडक्ट्स बनती है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो रैकून की यह आखिरी प्रजाति भी विलुप्त हो जाएगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय-बाय।